तो नमस्कार दोस्तों, गांधी संस्कार परीक्षा 2019 प्रश्नोत्तरी थर्ड जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसा कि मैंने कल बताए थे प्रश्नोत्तरी भाग टू। और यदि आपने प्रश्नोत्तरी भाग टू और प्रश्नोत्तरी भाग वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से देख लीजिए। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, और वहाँ पर जो मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग और जो गांधी संस्कार परीक्षा 2019 के लिए जो पूरी जो प्रश्नोत्तरी है, तो प्रश्नोत्तरी भाग तीन में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो बताने वाला हूँ क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इस गांधी संस्कार परीक्षा 2019 जो 19 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% क्वेश्चन आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसे थोड़े डिफरेंट है लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन मिला है, जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी मतलब धार्मिक ग्रंथ है जिसको माता कहा है गांधी जी ने, तो वो तो था भगवत गीता, उसका एकदम राइट ऑन ऑप्शन था। लेकिन अब इस वीडियो में आपको नए क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, वास्तव में बोल रहा हूँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग के द्वारा मैंने पूरे 56 पेज तक इसके जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होने आपको मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से जो है वो प्रवेश किया है, यानी कौन से आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया, तो ये जो है चंपारण आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जो है प्रवेश किया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए, मतलब जो भारत में आए 1915 में, उसके बाद चंपारण आंदोलन से उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो प्रवेश किया है। सेकेंड ये क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन सही है अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है, ठीक है, ये जो एकदम कथन एकदम क्या है ट्रूथ है। थर्ड क्वेश्चन से निम्नांकित में से क्या गांधी ने एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है, यानी ठीक है ना, इसका एकदम राइट ऑप्शन क्या, अपरिग्रह, जीविका, श्रम या फिर अनुशासन या अनुशासन, ठीक है, तो इसका वही ऑप्शन सही है श, ठीक है, अनुशासन। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला सेक है, ये कौन सी योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है जो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्रिप्स मिशन योजना के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी कमेंट किया था, ठीक है। फाइव क्वेश्चन से कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व रेप्रेजेंटेटिव जो है वो करता है, तो कौन सा जो ऐसा वाक्य है, तो है राज्य एक आवश्यक बुराई है, अनावश्यक बुराई है, ठीक है, ये जो है हमने आपने पढ़ा भी होगा गांधीवाद के बारे में, उसमें जो है इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। सट्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बेलगांव। सातवां क्वेश्चन से गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा, सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो वो है जॉन रशिकन, ठीक है ना, जॉन रशिकन का उनके जो सर्वोदय संबंधी विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सत्याग्रह की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो वो है सीधी कार्रवाई, ठीक है, ये जो नहीं है। नौवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे में जैसे मैंने कहा था कि भग्न पुरुष किसने कहा, ठीक है ना, और भी अंधनगर फकीर किसने कहा, ऐसे जो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो मैं चार क्वेश्चन बताऊंगा इस मैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आ जाएगा महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा है, नौवा क्वेश्चन से, और इसका आंसर है खान अब्दुल गप्पार खान ने कहा, क्या कहा, मलंग बाबा का। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि उनको महात्मा गांधी को अंधनगर फकीर किसने कहा था, ये कहा था वेस्टिंग सर्सिल ने, ठीक है, ये कहीं के राष्ट्रपति थे। और महात्मा किसने कहा, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, ये किसने कहा था, एकदम सिंपल है, ये तो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। एक और आएगा, ठीक है, ये है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो ये कहा था जे.बी. कृपलानी ने, किसने कहा था, ये कहा था जे.बी. कृपलानी ने, ठीक है, ये एकदम सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं, एक कन्फ्यूजन है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। वैसे तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। तो इन चारों में से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
13वां एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, वह कौन सा आंदोलन था? ठीक है, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है ना, गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों में प्रदर्शनकारियों ने क्या गोली चलाने से स्पष्ट मना कर दिया था। 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आगा खान पैलेस बहुत ही प्रसिद्ध पैलेस है, ठीक है ना, पैलेस जो महल है, ठीक है, पुणे में आया हुआ है, तो ये इसमें जो है रखा गया था बंदी बनाकर। 15वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? ठीक है ना, किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना, वार्ता हुई थी ना, तो उसमें जो खिलाफत आंदोलन को मतलब दबाया गया था। फिर 16वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ये घोषणा कब की थी? भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे, ठीक है ना, स्वयं निर्धारण करेंगे, ये किसने कहा था? तो ये कब का, ठीक है ना, निर्धारण करेंगे तो ये कब कहा था? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1922 में, ठीक है ना, 1922 ईस्वी में, बी ब ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन से, भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? क्या सीख लेनी चाहिए? वैसे तो बहुत है, लेकिन इसमें स्पष्टतः अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, अन्याय का अहिंसक रूप से क्या करना है? विरोध करना है, अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध नहीं करना है। तो कुछ प्रसिद्ध इनके वक्तव्य भी हैं, महात्मा गांधी जी गौतम बुद्ध के पश्चात समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन है वो किसने कहा था? तो ये कथन कहा था डॉक्टर होम्स ने, ठीक है, डॉक्टर होम्स ने कहा था। 19वां क्वेश्चन है, सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? किसने किया था भाई विरोध? बहुत ही सिंपल एकदम क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये कहा था स, इसका ऑप्शन सही होगा श्री एनी बिसेंट, ठीक है, 1 2 3 सभी ने कहा था। 20वां है, 20वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? तो ये जो विरोध करने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना, अंबेडकर ने विरोध किया था। अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, एकदम सुपर प्रश्न है, अक्टूबर को 2 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर 2 अक्टूबर है, सॉरी इसमें नहीं आया, 2 अक्टूबर को संसार में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, तो अहिंसा दिवस के रूप में या शहीद दिवस के रूप में या हिंसा दिवस का या कोई नहीं, इनमें से आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और अभी जो मैंने एक नई व्यवस्था की है, जो कमेंट करेगा, ठीक है ना, जैसे 20 कमेंट आए तो उसमें रैंडम कमेंट के द्वारा निकाली जाएंगी और उनको सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के द्वारा उनको पूरे बुक का PDF व प्रश्नोत्तरी, गांधी संस्कार परीक्षा की प्रश्नोत्तरी मैं खुद जो है उनके व्हाट्सएप पर भेजूंगा, ठीक है, उनसे व्हाट्सएप नंबर मांगूंगा और व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगा, तो 1-2 व्यक्ति को ये अवसर मिलेगा यदि सबसे पहले वो इसके बारे में आंसर करता है तो। और आपको प्लस व्हाट्सएप नंबर भी भेज देना है, मैं जिसको कहूँ कमेंट करूँ उसको, ठीक है। और आपको जो भी किताब दूसरी चाहिए, जो भी आपको और कुछ जानकारी चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे वो किताब चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। पहले जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यही बुक रहेगी और इसमें पूरे 539 पेज है जो आपको पूरा नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं प्रश्नोत्तरी से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, आपको जाना है। थैंक्स। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है तो ऐड संपूर्ण जरूर देखना। अगर आपके भी किसी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है, आप जाइए 8-4-4-4-4 के व्हाट्सअप नंबर पर और उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके क्रॉप करके आपको भेज देना है और तुरंत ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वीडियो सोल्यूशन के साथ। और आप डाउटनेट के ऐप के माध्यम से भी क्लास 6 से लेकर 12th मेंस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में।